हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती का इंतजार करने वाले आप सभी साथियों, नया साल आ गया है, नौ वर्ष की आप सबको बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। अगर आप मुझे आज देख रहे हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती के एडीजी का रिसेंट एक बयान आया है, जिसको लेकर के मुख्य जो उनका टॉपिक था इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, उसमें वो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, एसआई की भर्ती और साथ ही रेडियो ऑपरेटर, जेल वार्डन, इन सारी भर्तियों का एक ब्यौरा दिया है और एक प्रारूप आपको बताने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कब तक इसकी दशा या दिशा आ रही है। इन सारे पहलुओं पर उन्होंने एक पक्ष रखा है और मैं आपको बताता हूं यहां से, पहले सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि 2023 भर्तियों के लिए एक सुनहरा साल है। इट्स अ गोल्डन एरा फॉर रिक्रूटमेंट्स। अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको नौकरी लेनी है, तो ये साल आपको हर राज्य में बंपर भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियों का सृजन, जो केंद्रीय भर्तियां हैं वो भी करनी है, प्लस मिशन मोड में उत्तर प्रदेश सरकार और जितनी भी बीजेपी शासित गवर्नमेंट है वो अपना काम हरकत में करेंगी, तो आप अपनी तैयारी में तो लग ही जाइएगा। और अब आते हैं आपके पुलिस में जो कांस्टेबल के पद हैं, रेडियो ऑपरेटर के पद हैं, साथ ही उसके साथ साथ आपके एसआई के जो अभी जो हैं, जो एडीजी साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 829 सब इंस्पेक्टर के पदों का सृजन कहा है कि उनके पास अध्याचन आया है, लेकिन मैं इससे बियॉन्ड भी आपको कुछ बताऊंगा, जरूर निराश ना होइए। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर आप चैनल पर नए हैं या नाराज होकर चले गए तो जुड़ जाइए वापस से, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपना समर्थन दीजिए और इस मुहिम में हम सब मिलकर के आप सबके साथ खड़े रहेंगे। चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपको बड़ी खबरें बताता हूं, आपको ये जानकारी तो होगी कि कांस्टेबल के 26,000 से ज्यादा पदों का सृजन करके अध्याचन भेजा गया था। आपने देखा विधानसभा में भी हो जा चुका है, वो पास हो चुका है, अध्याचन आ चुका है। साथ ही जेल वार्डन को भी उत्तर प्रदेश सरकार पहले बाहर से एग्जाम कराती थी, अब उसको भी पुलिस भर्ती बोर्ड के अंडर में दे दिया है और एक जेल वार्डन का एग्जाम जो है पुलिस भर्ती बोर्ड ने कर लिया है। 829 एसआई का जो पद है वो तो वो पद है जो अभियोजित थे 2021 के भर्ती के बाद जून में, ठीक है, जून 2021 के पद थे 829 जो अब तक थे। अब जो है 29 के बाद कितने पद खाली हो रहे हैं, साथ ये 9534 में कितने पद बाकी रह रहे हैं, इनकी संख्या और कुछ अन्य संख्याओं को अगर सब कुल मिलाकर के जोड़ ले तो लगभग एसआई की भर्ती सब इंस्पेक्टर की भी 2000 पदों के आसपास में आपको दिखती हुई दिखेगी, ये आप कंफर्म कर लीजिए। तो जो साथी 9534 में चूक गए थे, अब उनके पास वक्त है कि वो कड़ी मेहनत करें, तपस्या करें। और ये जो कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि भाई धांधली हो जाएगी, तुमको सीट नहीं मिलेगा, तो यार इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आप तैयारी ना कीजिए, क्योंकि जो लोग ये बात कहते हैं ना उनके स्कोर कार्ड देखिएगा, कोई पेट में फेल है, कोई टेट में फेल है, कोई दरोगा में 83 नंबर लेके आता है और बनता है दरोगा, तो ये हो नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो धांधली हो ना हो, आपको क्वालिफिकेशन में आना पड़ेगा, कंपटीशन में आना पड़ेगा और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सही मौका है। क्या डेट बताया है, किस तरीके से उन्होंने कहा है, उन्होंने जो एडीजी साहब का बयान है वो तो एक अलग संदर्भ में लिया जाए कि उन्होंने सिर्फ पदों की सृजन बताई और उन्होंने ये कहा कि आप अपनी तैयारी जो है जितना ज्यादा हो सके, जितनी तेजी से हो सके, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे पेपर का रिटन एग्जाम है, इन सब के लिए आप जो है अपनी तैयारी को तेज रखें क्योंकि बहुत जल्द आएगी। अब आपको मैं यहां से एक डेट लगभग बता रहा हूं कि कब कब कौन कौन सी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी और उसका क्या प्रारूप बन सकता है, जो भी संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद एक ड्राफ्टिंग ऑर्डर जो दिख रहा है मुझे, उसके ऊपर अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए जनवरी में आपको कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि एंड ऑफ द जनवरी में आपको रेडियो ऑपरेटर का देखने को मिले नोटिफिकेशन एग्जाम का, बहुत मोस्ट पॉसिबल है, वरना वो भी सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में जाएगा। लेकिन दरोगा की 9534 की भर्ती अगर आप देखें, जितनी तेजी से लगातार सरकार इसमें अपनी मतलब मिशन मोड पे काम कर रही है, बजट एलोकेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ट्रेनिंग सेंटर, ये सारी चीजें जब कर ली जा रही हैं, तो उसके बाद पुलिस विभाग खाली हो जाएगा और ये जो है 30 जनवरी तक जो है दरगाहों का प्रस्थान है और 31 जनवरी से उनकी सिलेबस शुरू हो जाएंगी, पढ़ाई शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद विभाग में पुलिस की भर्तियां पिछले साल वाली कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद विभाग के पास नई भर्ती के अलावा कोई और काम नहीं बचेगा, ये आप याद रखिए, क्योंकि जो हवलदार वगैरह थे उनका भी प्रमोशन हो चुका है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके काम की बात बता रहे हैं। तो इस मानने से आप समझ लीजिए कि जनवरी के बाद
भर्ती बोर्ड पूरी तरह से खाली बैठा है, उसके पास उसके बाद नई भर्तियों पे ही काम करने का वक्त है, तब जाकर के जनवरी के बाद विभाग जो है पूरी तरह से फोकस करके और आप लोगों की नई भर्तियों पे काम करेगा। तो सिर्फ ये जनवरी महीना ऐसा है जिसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, फरवरी से आपको रेडियो ऑपरेटर, जेल वार्डन, कंस्टेबल, इन सारे चीजों के धीरे धीरे नोटिफिकेशंस देखने को मिलने लगेंगे। और मान के चलिए कि फरवरी महीने में आपको कुछ बड़े भर्ती भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब कंस्टेबल जैसे। हाँ, दरोगा की जो बात कर रहे हैं, दरोगा की देखिए मुझे जो जानकारी मिल रही है तो वो मार्च अप्रैल के बाद ही उसकी अधिसूचना आएगी, क्योंकि देखिए अभी ये इसमें से कितने बच्चे ट्रेनिंग पे चले गए, कितनी सीटें खाली हो गई, टोटल कितना फाइंडिंग है, फिर कोर्ट केस के द्वारा कितने आगे पीछे एडजस्टेबल हो रहे हैं, फिर टोटल कितनी सीटें कैरी फॉरवर्ड दरोगा में होंगी, ये जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक दरोगा की भर्ती मान के चलिए नहीं आएगा। और इस प्रक्रिया में लगभग मार्च अप्रैल का वक्त लगना है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली दरोगा की भर्ती जो है वो मार्च या अप्रैल में दिखेगी, लेकिन कांस्टेबल के पद इतने बड़े हैं कि फरवरी से उसकी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है आज के डेट में, जैसे एडीजी साहब का बयान है। तो आप सब जो हैं अब अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इन सारे फालतू की बातों से बाहर निकलिए। साहब तैयारी करिए, पहाड़ों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझे। तो आप तैयारी कीजिए, जिनका जो काम है वो कहने दीजिए। इस 9534 में कोई ये नहीं कह सकता है कि एक भी ईमानदार आदमी सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर एक ईमानदार, मैं बहुत निगेटिव बात कहता हूं, अगर एक भी ईमानदार आदमी इसमें गया है तो आप क्यों नहीं जा सकते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, जान लगाइए और जहां तक हो सकेगा हम लोग भी आपका साथ देंगे और इस भर्ती में जितना हो सकेगा निष्पक्ष होके और निष्पक्ष रहने का, जितना भी बढ़िया से पारदर्शी तरीके से हो इसको लेकर के। गवर्नमेंट जो है ना बहुत अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, इसलिए आप निराश मत होइए। आप देखिए कि दरोगा का सब कुछ होने के बाद भी लोगों को बाहर किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आगे से करप्शन करने वालों के लिए। इतना आसान नहीं होगा चोरी करना, क्योंकि आप पैसा भी दीजिएगा और ट्रेनिंग के सेंटर में जाकर के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको गिरफ्तार करके बाहर कर लिया जाएगा। तो ये एक नई बात है, जिसको आप समझिए कि करप्शन हर जगह अब धीरे धीरे खत्म होगा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब स्ट्रिक्ट है तो चीजों को ठीक कर लेगी। आप अपनी तैयारी सही कीजिए साहब, क्योंकि फरवरी से आपको बंपर बहालियां देखने को मिल जाएंगी। इसलिए ऑल द बेस्ट, और नए साल में मैं ये कामना जरूर करूंगा कि आप सबके पास एक मनचाही नौकरी हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो दरोगा की हो, या आप जिस भी फील्ड में हो, नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो। और ये सारी जानकारियों के बाद उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को ठीक तरीके से कर पाएंगे। प्रणाम।